वोट लेने के लिए सबको आते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि वोट दीजिए वोट दीजिए, और वोट लेला के बाद तो कोई तक नहीं नहीं आते हम लोग के पास कि क्या चौरसिया समाज में हो रहा है नहीं हो रहा है। किसान को मुआवजा मिल रहा है धान वाला गेहूं वाला, लेकिन चौरसिया का मुआवजा आज तक नहीं मिला है। एक रुपया हम लोग को नहीं आज तक प्राप्त हुआ है। किस स्थिति में चौरसिया समाज के लोग जी रहे हैं? देखिए जो पान का पत्ता है ये सब ठंड की वजह से खराब हो गया, जूम करके दिखाइए गौतम जी, सब काला काला हो गया है। हम लोग तो नीतीश जी का वोट देते हैं, हालांकि हम 3 साल तो इस्लामपुर क्षेत्र से नहीं जीते हैं, लेकिन वोट तो उन्हीं को दिए हैं, तो हम लोग को जितना वोट रहेगा उतना का जिम्मेवारी है। अच्छा, आप लोग वोट नीतीश कुमार को ही देते हैं लेकिन वो आप लोग को देखने नहीं आते? देखने नहीं आते आज तक नीतीश कुमार, हम लोग को देखने नहीं आए कि कैसा चौरसिया समाज का आदमी है, जिंदा है मरल है, क्या है, कैसा परिस्थिति में गुजर रहा है, तक देखने नहीं आए। यह पौधा सूख जाता है खड़ा, जैसे कि देखिए ये पौधा सूखा हुआ है ठंड से, देखिए सूख गया है, ये देखिए ये पत्ता एकदम प्योर सूखा हुआ है। ये जो पत्ता है ठंड की वजह से ये पत्ता गल गया सूख गया। हाँ। ये पान का पत्ता हरा होना चाहिए था लेकिन ठंड की वजह से पीला हो गया यहाँ तक कि काला हो गया, इतना जल गया। यहाँ के जो क्षेत्रीय नेता हैं, जैसे कि यहाँ के अभी क्या बोलते हैं कि राकेश रोशन जी विधायक हैं, कौशलेंद्र कुमार जी MP हैं, और आपके चौरसिया समाज के कुछ नेता भी हैं जो आपके समाज के नेता हैं, वो सिर्फ नेतागिरी करते हैं, आपको सहायता नहीं करते? सहायता तो आज तक नहीं मिला है, कुछ चौरसिया लोगों को मुआवजा दिया जाए। कितना नुकसान हुआ है आपको? कम से कम इसमें 90% नुकसान ही है, इसी से हम लोगों का बाल बच्चा का शादी विवाह, भरण पोषण, रोजी रोटी, कपड़ा लत्ता सब पाने से है। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। आज हम मौजूद हैं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के अर्जुन सिरथुआ गांव में, और हम जहां पे अभी खड़े हैं वो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि हमारे आगे पीछे चारों तरफ पान के पत्ते ही पत्ते आपको दिख रहे होंगे, और इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के लगभग 12 से 14 गाँवों में बृहद पैमानों पर पान की खेती की जाती है। इस बार ठंड की वजह से पान कृषकों की कमर टूट गई है। आप देख रहे होंगे कि पान का जो पत्ता है वो बिल्कुल मतलब कि ठंड की वजह से ख़राब होने के कगार पे है, और बहुत सारे पान के पत्ते ख़राब भी हो चुके हैं। अभी सीज़न चल रहा है लेकिन असातित ठंड बढ़ने के कारण जो पान टूटना था वो अभी मतलब कि ठंड की वजह से टूटना बंद हो गया है। यहाँ पे कुछ किसान हैं, एक दो किसान हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिरकार ठंड की वजह से इनको कितना नुकसान हुआ है और उस नुकसान का भरपाई ये कैसे करेंगे और किस प्रकार करेंगे, शासन प्रशासन से और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे इनको क्या लाभ मिलता है, और अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे 50,000 लाख रुपया का मतलब कि नुकसान हुआ है तो उसमें से इनको कितना लाभ मिलेगा, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के जो MP हैं, वो कितना इनको लाभ दिलवाएंगे। बताया जाता है कि यहाँ के जितने भी मतलब कि पान कृषक हैं यहाँ पे मूल रूप से पान के ही खेती पे आश्रित हैं, पान के ही खेती पे निर्भर हैं, पान से ही वो अपना भरण पोषण करते हैं और अपने बच्चों का भी भरण पोषण करते हैं, पान के खेती से ही इनका रोटी भी चलता है और बच्चियों का शादी विवाह भी ये करते हैं, और इसके साथ साथ पान ही इनका मूल रोजगार है, तो स्वाभाविक सी बात है पान से ही इनका भरण पोषण होता है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे पान के जो पत्ते हैं वो ठंड की वजह से ख़राब हो गए हैं, और हम कैमरामैन से भी चाहेंगे कि वो दिखाएं पान के पत्ते किस प्रकार मतलब कि ख़राब हुए। देखिए काला काला हो गया है और ये सब मतलब कि ठंड की वजह से ही हुआ है, और यहाँ पे कुछ किसान हैं मतलब कि बहुत अच्छे से बताएंगे कि किस प्रकार से मतलब कि पान के पौधे में जो पान के पत्ते में है वो ठंड की वजह से नुकसान हुआ है। इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के 14 ऐसे गाँव हैं जहाँ पे मतलब कि चौरसिया समाज के लोग रहते हैं और बृहद पैमाने पे पान की खेती करते हैं, सैकड़ों एकड़ में पान की खेती करते हैं, और हर साल इनको नुकसान होता है, हर साल नेताजी आते हैं, हर साल फ़ोटो खिंचवा करके चले जाते हैं, लेकिन इनको एक रुपये का भी मुआवजा नहीं मिलता है। मुआवजा के नाम पर बस इतना मिलता है कि नेताजी आते हैं और इनसे ही मतलब कि फ़ोटो वगैरह खिंचवाते हैं साथ में, और अपना मतलब कि चेहरा चमका करके चले जाते हैं। हमारे साथ एक पान कृषक हैं पप्पू चौरसिया, हम इनसे जानेंगे कि ठंड की वजह से इनको कितना नुकसान हुआ है। पिछले साल भी नुकसान हुआ था और ये कोई पहला साल नहीं है, प्रत्येक साल नुकसान होता है, और उस नुकसान के बाद इनको क्या मिलता है? पप्पू जी बहुत बढ़िया से बताइएगा कि पान का जो मतलब क्या फसल उपजाते हैं, पान का जो पत्ता उपजाते हैं, अभी असातिर ठंड पड़ रहा है, बहुत मतलब कि ठंड पड़ रहा है, बता नहीं सकते हैं, 12-13 डिग्री सेल्सियस ठंड आ गया है, किस प्रकार आपको नुकसान हुआ है पान के पत्ते में? देखिए जैसे कि इसमें कट गया है, फट गया है, मतलब कि कीड़ा खा गया है ठंड की वजह से, क्या क्या नुकसान हुआ है? ठंड की वजह से इसमें है कि पान सब सिज गया है, ऊपर से ज़्यादा ठंडा गिरता है तो पान जलने लगता है, इससे चौरसिया समाज के लोगों को उपजा हुआ आगों का थाली परसा हुआ छीना जाता है, इसी से हम लोगों का बाल बच्चा का शादी विवाह, भरण पोषण, रोजी रोटी, कपड़ा लत्ता सब पाने से है। ना ही हम लोग का एक खेती है कि एक मन धान उपजता है, और ना ही
कोई चीज़ गेहूँ उपजता है, जो कुछ भी करना है हम लोग के पानी से। सबसे पहले तो हम लोगों का अगला चपेट कर दिया कि नई बरठा ख़त्म कर दिया, जो कि इतना बरसात इन साल किया कि सब पानी में पौधा नई वाला गल गया। जो कुछ जरा मना पुरानी का बरठा भी बचा है पुरन का, इसमें भी करीब करीब 90% नुकसान है, सब ठंडा से इतना ठंडा गिरा। कुछ कुछ लोग खोटे भी, कुछ लोग रख ले भी थे, लेकिन नुकसान ही नुकसान हुआ। मतलब आपका कहना है कि जो लोग पहले पान के पत्ते को तोड़ लिए वो तो कहीं ना कहीं बच गए, लेकिन जिनका पान नहीं टूटा है वो मरलो मर गए। उसको फिर अगला साल बांस करने के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि पता था जरा मन आश्रित था किसी से रोजी रोजगार करेंगे, इसको छाड़ देते हैं बाद में तो पैसा देगा। कुछ लॉकडाउन के हवा से जरा मना पान निकला भी, खुटाया भी, उसमें भी पैसा नहीं हुआ, करीब करीब 50% पैसा हुआ। और कुछ लोग जो छाड़ के रखे हुए थे उसको भी ठंडा से मैंने बर्बाद हो गया। छाड़ के मतलब कि इसको जिस प्रकार से ढक करके रखे थे उनको थोड़ा बहुत बचा? ढक के रखे, देख ही रहे हैं क्या बच रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा तो नुकसान हो गया। ठंडा इतना ही प्राकृतिक का मार है, ढक के रखने से पवाल और निवारी के खेर से कितना बचेगा जब प्रकृति का देन नहीं होगा। था कितने रुपया का मतलब कि पान का फसल आप लोग तैयार करते हैं पूरे एक साल में बापू जी? तो जैसा खेती किया, कोई का 2 लाख रुपया भी हुआ, कोई के 4 लाख रुपया भी हुआ, कोई के लाखों रुपया छोटा किसान हुआ था, जैसा ढंग से खेती कोई 50-17 भी करता है, कोई 10-17 भी बेचारा करता है, कोई 20-17 भी करता है। उस तरह से हमारे दर्शक नहीं समझे कितना मतलब कि जमीन पे आप लोग करते हैं कट्ठा? कट्ठा कितने कट्ठे पे आप लोग करते हैं? करीब करीब जो बड़ा किसान रहा वो करीब करीब 8 कट्ठा 7 कट्ठा करता है, छोटा किसान रहा 2 कट्ठा 2.5 कट्ठा 3 कट्ठा 4 कट्ठा लगभग करता है। कितना लागत लगाते हैं और कितना इनकम होता है आप लोगों को इसको? में कम से कम लागत तो 1 कट्ठा में कम से कम लागत लगेगा 30,000 रुपया। अच्छा, 30,000 रुपया लागत लगता है। और वजन का तो भगवान का भरोसा है, चाहे तो लागत भी इन साल तो लागत भी किसी को नहीं है छूट भरपाई नहीं हो सका। लागत भी जो कुछ भी जरा मना बचा था उम्मीद पर आदमी रख लेता, वो भी पान ठंडा से समाप्ति हो गया है करीब करीब, जरा मना 2-4 पत्ता बचता है तो इसको से क्या होगा, इसको से बांस भी कराना दुर्लभ है। अच्छा, आप लोग मतलब कि मूल रूप से पान की खेती पर आश्रित होते हैं या फिर अन्य भी कोई मतलब कि इनकम का स्रोत है? नहीं, हम लोग का मूल खेती पान का खेती ही है, नहीं एक कट्ठा खेती है कि जिससे हम धान उपजा करके खा सकते हैं। पान हुआ इसी में मजूरी करके खाएं, जैसे भी खाएं इसी से हम लोग को खाना है। मतलब हंस करके जीवन बिताए या फिर रो करके जीवन बिताए, इसी से बिताना है। बाल बच्चा का शादी विवाह भी इसी से होना है। हम लोग को तो 3 साल से बार बार लॉकडाउन जरा मना उपजता है भी, जो लॉकडाउन में पान समाप्त हो जाता है, मुआवजा पैसा कुछ नहीं मिलता है पान को उपजाने के। देखिए मुआवजा की बात कर रहे हैं आप पप्पू जी, तो यहाँ के जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हो गए, एमपी हो गए, यहाँ के जो क्षेत्र के मतलब कि बड़े बड़े नेता हैं, वो लोग आपको कोई मतलब की सहायता नहीं करते? नहीं, आज तक कोई भी आया फोटो भी खिंचाया, 100-200 खिंचा करके रुपया लेकर के चल गए, लेकिन हम लोग को 1 पैसा का मुआवजा आज तक नहीं मिला। मतलब वो आते हैं और ऊपर से आप लोगों से पैसा लेकर के चले जाते हैं। हालांकि में दूसरा डिस्ट्रिक्ट में नवादा जिला में पैसा मिल जाता है, लेकिन नालंदा जिला में पैसा आज कोई भी प्रतिनिधि नहीं दिलाए हैं। नालंदा जिला नीतीश कुमार का गृह जिला है, गृह है तो हम लोग को कहाँ मिलता है? नीतीश कुमार जी हम लोग को दिलाते तब ना कि हाँ भाई इन लोग के पैसा दिलावे, आते हैं निरीक्षण करते हैं चले जाते हैं, अतरा लिखाया फलना लिखाया किसान का नाम लिखाया, लेकिन आज तक पैसा नहीं मिलता है हम लोग को। अच्छा, आप लोग कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से मतलब कि दुखी हैं या फिर नीतीश कुमार आप लोग से दुखी हैं, क्या है मतलब क्यों नहीं आप लोग को मुआवजा मिलता है? अब तो नीतीश कुमार जी बता सकते हैं, हम लोग तो नीतीश जी का वोट देते हैं, हालांकि हम 3 साल तो इस्लामपुर क्षेत्र से नहीं जीते लेकिन वोट तो उन्हीं को दिए हैं, तो हम लोग को जितना वोट रहेगा उतना करने जिम्मेवारी है। अच्छा, आप लोग वोट नीतीश कुमार को ही देते हैं लेकिन वो आप लोग को देखने नहीं आते आज तक नीतीश कुमार हम लोग को देखने नहीं आए कि कैसा चौरसिया समाज का आदमी है, जिंदा है मरल है, क्या है, कैसा परिस्थिति में गुजर रहा है, तक देखने नहीं आए। देखिए हम आपको एक मतलब कि अंदर की बात बताते हैं, जितने भी चौरसिया समाज के लोग होते हैं वो मतलब एकजुट होकर के JDU को वोट देते हैं, नीतीश कुमार को वोट देते हैं, उसके बावजूद भी नीतीश कुमार चौरसिया समाज के ऊपर अपना निगाह नहीं फेरते। नहीं, अपना निगाह नहीं फेरते, निगाह फेरते तो चौरसिया इतना गिरा रहता, हर जाति से चौरसिया नीचे गिरा हुआ है। अच्छा, ये हम जो अभी बोल रहे थे पप्पू जी, चौरसिया समाज एकजुट होकर के वोट देते हैं कि नहीं नीतीश? हम लोग तो एकजुट होकर वोट देते हैं, यहाँ पर 12-14 गाँव हैं, 14 गाँव में हम लोग नीतीश कुमार जी का ही वोट देते हैं। अब दूसरा कष्ट को तो नहीं बता सकता, अपना कष्ट को तो वोट देवे करते हैं। उसके बावजूद भी आपको 1 रुपया मतलब कि मुआवजा नहीं? आज तक हम लोग को मुआवजा नहीं मिला है। क्या कहना चाहेंगे शासन प्रशासन से? हम लोग तो कहते हैं कि हम लोग को चौरसिया का एक तो पहला ही मार हो गया था कि पानी से सब डूब गया था, ख़त्म हो गया नई बरठा, पुरानी भी बचा जो सीज पक गया, इसमें भी कुछ लागत नहीं हुआ, कुछ चौरसिया लोग को मुआवजा दिया जाए। कितना नुकसान हुआ है आपको? कम से कम इसमें 90% नुकसान ही है।
तो 10-20 हज़ार रुपया होगा तो उससे खाएंगे कि रोजगार खड़ी करेंगे कि बाल बच्चा का शादी विवाह करेंगे, वो तो प्रॉब्लम का बता सकता है। कहीं ना कहीं आप लोग प्रत्येक साल माइनस में ही चले जाते हैं। हाँ, हम लोग हर साल माइनस में ही जा रहे हैं और नहीं एक रुपया आज तक हम लोग को सरकार दिए हैं। यहाँ के जो क्षेत्रीय नेता हैं, जैसे कि यहाँ के अभी क्या बोलते हैं कि राकेश रोशन जी विधायक हैं, कौशलेंद्र कुमार जी MP हैं, और आपके चौरसिया समाज के कुछ नेता भी हैं जो आपके समाज के नेता हैं, वो सिर्फ नेतागिरी करते हैं, आपको सहायता नहीं करते। सहायता तो आज तक नहीं मिला है। अच्छा, कौन सा पान खराब हुआ है हमारे दर्शकों को बताइए, कैसे खराब होता है पान और कौन बढ़िया है और कौन खराब है? अच्छा ठीक है, बताते हैं। देखिए, तोड़ करके दिखाइए कैसे, मतलब कि हम कैसे माने कि ये पान खराब हो गए। देखिए, मतलब कि पान दिखाएंगे और उसमें दिखाएंगे कि कौन पान खराब है, कौन पान मतलब कि सही है। उधर जा रहे हैं और ये सब जितना भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे लगभग इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के 12 से 14 गांवों में बृहद पैमाने पे पान की खेती की जाती है, और पान की खेती की जाती है लेकिन प्रत्येक साल नुकसान भी होता है, लेकिन यहाँ पे जनप्रतिनिधि नहीं आते हैं। आपको जैसा कि बता रहे थे पप्पू जी, यहाँ पे ये लोग एकजुट होकर के नीतीश कुमार को वोट देते हैं, लेकिन नीतीश कुमार इनके पास नहीं आते हैं देखने कि किस स्थिति में चौरसिया समाज के लोग जी रहे हैं। देखिए, जो पान का पत्ता है ये सब ठंड की वजह से खराब हो गया, जूम करके दिखाइए गौतम जी, सब काला काला हो गया है। और देखिए, पप्पू जी लाए यहाँ पर तोड़ करके, और ये कैसे मतलब कि कैसे खराब हुआ पप्पू जी बताइए। ये ठंडा से देखिए पत्ता जल गया, इसी से हम लोग का हर साल ऐसे नुकसान होता है। ये सीझ गया, ऐसे एक पत्ता देखिए सीझल भी है और एक पत्ता भी जला हुआ भी है। ये ठंडा से हम लोग को बराबर इसी नुकसान कर देता है। अच्छा, ठंड में तो पान जल जाता है, अगर ज़्यादा गर्मी करे, ज़्यादा बरसात करे, उसमें भी नुकसान? उसमें भी ऐसी लुक मार देता है, पत्ता जल जाता है या पौधा सूख जाता है खड़ा। जैसे कि देखिए, ये पौधा सूखा हुआ है, ये ठंड से देखिए सूख गया है। ये देखिए, ये पत्ता एकदम प्योर सूखा हुआ है। ये जो पत्ता है, ठंड की वजह से ये पत्ता गल गया, गल गया, सूख गया। हाँ। ये पान का पत्ता हरा होना चाहिए था, लेकिन ठंड की वजह से पीला हो गया, पीला हो गया, यहाँ तक कि काला हो गया, इतना जल गया कि काला हो गया, पौधा भी सूख गया, पौधा का जड़ भी खत्म हो गया। तो बताइए मतलब कि कितना नुकसान हुआ इनको, और इनको देखने के लिए कोई नहीं आता? कोई यहाँ कोई नहीं आते हैं, वोट लेने के लिए सबको आते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि वोट दीजिए वोट दीजिए, अब वोट लेला के बाद तो कोई तक तक नहीं नहीं आते हम लोग के पास कि क्या चौरसिया समाज में हो रहा है नहीं हो रहा है। किसान को मुआवजा मिल रहा है, धान वाला, गेहूँ वाला, लेकिन चौरसिया को मुआवजा आज तक नहीं मिला है। एक रुपया हम लोग को नहीं आज तक प्राप्त हुआ है। इसी यही कारण है कि आप लोग प्रत्येक साल माइनस में चले, माइनस में हम लोग चल जाते हैं। अच्छा, इसको अब मतलब आप लोग व्यवस्थापित कब करते, कितना दिन में तैयार होता है ये? करीब करीब हम लोग का 2 साल का रोजगार है। जैसे पहले जैसे पान का खेती 1 साल नाई की होता है, इसमें हम लोग 8-10 महीना में इसको में रखते हैं। अगर सीजन है हम लोग का बनारस पान जाता है, वही सीजन के लिए पान रख लेते हैं कि पीछे जाकर के महंगा बिकेगा। अब महंगा क्या बिकेगा कि प्राकृतिक आया, लपेट उपेट के सब चल गया, बर्बाद कर दिया। बताया ऐसा जाता है पप्पू जी कि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होता है, और उसी का शिकार आप लोग अक्सर हो जाते हैं। हाँ, अक्सर हो जाते हैं। तो देखिए, हमारे साथ पप्पू जी थे और बहुत विस्तार से बताया कि किस प्रकार हम पान का खेती करते हैं, और हम लोग जनप्रतिनिधि को तो जिताते हैं, लेकिन जब हम लोग मतलब कि आग से, हम लोगों के आग से आंसू निकलता है, तो उसको पूछने के लिए जनप्रतिनिधि यहाँ पे नहीं आते हैं। अगर कोई आते हैं तो वो घर के परिवार ही होते हैं, घर के परिजन ही होते हैं, वो इनको मतलब कि हौसला देते हैं कि इस बार नहीं हुआ, अगला बार होगा, लेकिन हर बार का यही स्थिति, यही परिस्थिति है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि, यहाँ के जो MP, यहाँ के जो विधायक हैं, उनसे हम दरख्वास्त करना चाहेंगे, चौरसिया समाज की तरफ से दरख्वास्त करना चाहेंगे कि इनको जो नुकसान होता है उसका मुआवजा मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं ये भी आपके मतलब कि जनता हैं, और इनके ऊपर भी मतलब कि आप लोग का जो दया दृष्टि है वो मिलना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से धान का नुकसान हो जाए, अगर गेहूं का नुकसान हो जाए, तो उसमें सरकार मुआवजा देती है, लेकिन पान एक ऐसा रोज़गार है जिसको नुकसान होने पे 1 रुपया मिलता नहीं है। यहाँ तक इतना ज़रूर होता है कि नेता लोग भेजते हैं, मतलब कि प्रशासनिक अधिकारी भेजते हैं कि चौरसिया समाज के पास जाइए, पान का फ़ोटो खींच करके लाइए, और जो लोग फ़ोटो खींचने आते हैं वो भी 100-200 रुपया लेकर के इनको चूना लगा करके चले जाते हैं। अगर पिछले 5 साल की बात की जाए तो इनको 1 रुपया भी अभी तक मुआवजा नहीं मिला, हर साल इनको लाखों लाख रुपया का नुकसान होता है, करोड़ों करोड़ों रुपया का नुकसान होता है, लेकिन इनको 1 रुपया भी मिलता नहीं है। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, वीडियो जर्नलिस्ट गौतम के साथ, नालंदा दस्तक, इस्लामपुर।